हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी का कन्यादान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो पहला प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? ए में है 1940, बी में है 1950, सी में है 1960, डी में है 1961। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1940। दूसरा प्रश्न है, ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ? ए में है नागपुर, बी में है कालपी, सी में है रांची, डी में है भरतपुर राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान। तीसरा प्रश्न है, ऋतुराज की कविताओं में जीवन के अनुभव का कौन सा पथ प्रदर्शित हुआ है? ए में है यथार्थ, बी में है निहितार्थ, सी में कल्पितार्थ, डी में है सत्यार्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ। चौथा प्रश्न है, ऋतुराज कवि हैं। ए में अनजान, बी में है लोक जीवन से जुड़े, सी में है मुखर कवि, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक जीवन से जुड़े। पांचवा प्रश्न है, कन्यादान शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। ए में सूरदास, बी में ऋतुराज, सी में बिहारी, डी में भूषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋतुराज। छठा प्रश्न है, कन्यादान कविता में बेटी को कौन सी शिक्षा दे रही है? ए में है भाई, बी में है पिता, सी में है चाचा, डी में माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ। सातवां प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ किसे शिक्षा दे रही है? ए में है दामाद को, बी में सास को, सी में बेटी को, डी में बेटा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी को। आठवां प्रश्न है, माँ के लिए बेटी कैसी कैसे पूंजी है? ए में है अंतिम, बी में है पहली, सी में दूसरी, डी में अज्ञात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम। नौ नंबर का प्रश्न है, कन्यादान कविता में कवि की कैसी संवेदन की अभिव्यक्ति हुई है? ए में खोखली, बी में गहरी, सी में छिछली, डी में गंभीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरी। दसवां प्रश्न है, माँ के सुख दुख की साथी कौन होती है? ए में बेटी, बी में पति, सी में बेटा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, लड़की जैसा न दिखाई देने में किस आदर्श शिकरण का प्रतीकार है? ए में है होशियारी, बी में कमजोर, सी में कठोरता, डी में दबोपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर कमजोर। बारह नंबर का प्रश्न है, बेटी अपने सुख दुख को किससे बांटती है? ए में माँ से, बी में पति से, सी में सास से, डी में देवर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ से। तेरह नंबर का प्रश्न है, भारत में लड़कियों से ससुराल में क्या आम बात सी हो गई है? ए में प्रेम, बी में अत्याचार, सी में घृणा, डी में ताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार। चौदह नंबर का प्रश्न है, समाज को किसे समानता का अधिकार देना चाहिए? ए में बेटियों को, बी में बहुओं को, सी में माताओं को, डी में सभी सहित है, मतलब सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सभी सहित है इसका हो जाएगा। पंद्रह नंबर का प्रश्न जो अंतिम है, माँ ने बेटी को कपड़े और गहनों के लिए अपना क्या बेचने को मना किया है? ए में अस्मिता, बी में आज़ादी, सी में प्रेम, डी में घृणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी। तो ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।